यहाँ की करेंसी मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ी है। जैसे कि मैंने सिम कार्ड जो लिया तो वो 1 लाख का सिम कार्ड था। अंदर एक एटीएम था तो मतलब मुझे एटीएम से पैसे निकालने जाना है, तो उसी बहाने जाके मैं अंदर जाके देख के आया था। अलग अलग जगहों से लोग बुलाए थे, इंडिया से भी लोगों को लेके आए थे ये इसके आर्किटेक्ट को बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि आपको समरकंद के नए राजा बनना है क्या, 500 रुपए लगेंगे। मैंने कहा रानी मिलेगी क्या फ्री में। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो और एक नए सीरीज में स्वागत करता हूँ। फिलहाल मैं आ चुका हूँ भाई दुनिया के सबसे सस्ते से देश में, मैं हूँ उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान के मैं साउथ वाले पार्ट में हूँ, समरकंद में। मैं कल ही आया था आइसलैंड से दुबई, दुबई से उज्बेकिस्तान। फिलहाल भाई मैं जा रहा हूँ सिम कार्ड खरीदने के लिए और पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि पैसे एंड सिम कार्ड इसी देश में आने के बाद दो इम्पोर्टेंट चीज होती है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज, पेट पूजा, कुछ लोकल फूड खाया जाए, कुछ समरकंद के पुलाव खाए जाए, काफी फेमस है दुनिया में। ऐसी गलियां है भाई जहां पर मैं रह रहा हूं। मेरा हॉस्टल कहीं यहीं आसपास था, ये होटल नहीं, आगे थोड़ा हॉस्टल था। और उसके लिए भाई मैं दे रहा था 800 रुपए 2 रात के, 400 रुपए पर नाइट। बट यार जब रात को मैं आया तो बंदा काफी रूड था, मतलब। तो भाई मेरी प्लेन यहाँ पे रात के 3 बजे आ जाई है। मैंने खुलवाया क्योंकि उन्होंने लिख रखा था 24 आवर रिसेप्शन, तो मुझे लगा कि कोई जगह होगा वहाँ पर, बट मुझे लग गए आधे घंटे बंदे को खुलवाने में। फिर आया तो काफी काइंड ऑफ रूड था ना। उसके बाद मैंने कहा पैसे कल देता हूँ, काफी थका हुआ तो बोलता नहीं पैसे अभी दो। फिर मुझे उसको डॉलर देने पड़े उस हाथों हाथ। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो लेंगे ही भाई। लेकिन भाई अभी मैं जा रहा हूँ पैसे बदलवाने के लिए, मेरे पास डॉलर्स हैं, उसको मुझे बदलवाने हैं लोकल करेंसी उज्बेक सोम में। तो भाई फिलहाल मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ और यहाँ पर चलती है शेयर टैक्सी, जो भी लोग रास्ते मिलते जाएंगे। नमस्ते 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 इंडिया, तो उनका बैठाते चलेंगे। और मैं भी जा रहा हूँ भाई सिम कार्ड खरीदने के लिए और पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए और फिर भाई खाना खाने के लिए। ये तीनों काम कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे दिखता कैसा है समरकंद। तो भाई यहाँ पर टैक्सी सस्ती है, कल रात को मैंने चेंज कराया था $20, तो कुछ ऐसी दिखती है यहाँ की लोकल करेंसी। ये 5000 का नोट है, 5000 का मतलब भाई इंडियन रुपीज में बनेगा अराउंड 300 रुपए के आसपास। तो यहाँ का जो 5000 है इंडिया का 300 रुपए के बराबर है। हेलो, आई वांट टू बाय सिम कार्ड, न्यू सिम, यस। व्हिच पैकेज डू यू हैव? सो दिस इज 10 GB, 100,000 SOM, 100 gigabytes, and there are YouTube free, unlimited upload free to 2 terabytes, and this package same YouTube free. We don't have YouTube free. YouTube. Okay. Only Telegram, Instagram, Facebook, and WhatsApp. Yeah, 70,000, 100,000, 35 GB, 100 GB, right? Yes. I will go with 100 gigabytes. Okay. 1 lakh to tha mere paas kahin na. कहाँ रख दिए 1 लाख? अरे यार कहाँ रख दिए हम, पैसे तो थे मेरे पास जस्ट। आई थिंक आई शुड हैव समवेयर, लेट मी सी बिकॉज़ आई हैड मनी। कहाँ रख दिए यार। ओके ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो भाई सिम कार्ड मैंने खरीद लिया यहाँ से। सिम कार्ड की कीमत पड़ी भाई 600 रुपए के आसपास और 600 रुपए मुझे मिला है अराउंड 100 GB डाटा, कॉलिंग अराउंड 2000 कॉल, बट उसकी कोई जरूरत तो मुझे है नहीं। उसके अलावा और मुझे मिला है भाई 2 TB ऑफ यूट्यूब, अपलोड और डाउनलोड कुछ भी चलेगा, और या तो यूट्यूब में वीडियो देखो तो 2 TB, तो काफ़ी सही है भाई। अनलिमिटेड हो ही गया भाई, अगर मैं 10 दिन रह रहा हूँ तो 2 TB कौन यूज कर रहा है यूट्यूब से, देखो ज़्यादा ही हो जाएगा 2 TB ना। वेल एनीवे, यहाँ पर कुछ ऐसा हिसाब किताब है। और यहाँ से लिया भाई मैंने यू सेल, बट जब मैं अंदर गया मेरे पैसे गुम हो गए यार, अराउंड मेरे पास 100 था, मतलब 600 रुपये मेरे पता नहीं कहीं गुम हो गया, तो फिर मैं हॉस्टल में छोड़ दिया तो फिर गुम हो गए। तो दीदी ने बोला कि एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तुम बाद में दे देना। मैं जा रहा हूँ पैसे बदलवाने के लिए और डॉलर्स को लोकल करेंसी बदलवाऊंगा और उनको फिर मैं दे दूंगा यार। हाँ तो भाई साहब पैसे बदलवा लिए मैंने इस बैंक में, रेट काफ़ी शानदार मिला। मैंने पैसे बदलवाए अराउंड $100 और जो मुझे मिला है अराउंड 1.25 मिलियन के आसपास मिला है लोकल करेंसी, मतलब 12,50,000 मान के चलो। बट यहाँ की करेंसी मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। जैसे कि मैंने सिम कार्ड जो लिया तो वो 1 लाख का सिम कार्ड था। तो भाई उज्बेक सोम 1 लाख इंडिया के 600 रुपीज़ के बराबर होता है और डॉलर में 1 लाख तकरीबन $8 या $7 पड़ेंगे, $7 के आसपास ये रेट है। मेरे सामने भाई यूसेल, जाके उनको पैसे देने मुझे, क्योंकि मैंने उनको 50,000 दिया था, 50,000 मुझे वापस से देने, क्योंकि मेरे पास 50,000 ही था उस समय। जाके उनको 50,000 दे के आता हूँ। कितना अच्छा लगता है ना यार कि 1 लाख का मैंने सिम कार्ड लिया, 1 लाख का मैं खाना खाऊंगा, बट तो यहाँ में ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
थैंक यू वेरी वेरी मच. एक्सक्यूज मी, डू यू नो एनी रेस्टोरेंट नियर बाय? रुस्की इज नॉट द रेस्टोरेंट इज नॉट दे रुस्की नहीं तो द करस नॉर्मल यार. रेस्टोरेंट मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है भाई. पिछले 10 मिनट से चल रहा हूँ, कुछ ढंग का खाने का कुछ मिल ही नहीं रहा. ये कुछ मिला है, कैफे भी है ये तो. हलाल ठीक है भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता हलाल है या नहीं है, इसे खाने से मतलब है. तो भाई काफ़ी खोजने के बाद फाइनली एक रेस्टोरेंट मिला है और मैं यहाँ पे खाना पीना खा रहा हूँ. बेसिकली इनके पास राइस तो था नहीं, तो बिना राइस के मैं खा रहा हूँ. ओलिविया है, कुछ चिकन का मिल गया और ब्रेड मिल जाएगा, जो बेसिक उज़्बेक फूड होता है वही खा रहा हूँ मैं. वेल जो है और पानी और हैरान तो खा ही रहा हूँ. उसके बाद चलेंगे कहीं घूमने के लिए, क्योंकि थोड़ा पेट पर जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब दिन भर आप कुछ खाए नहीं हो. तो भाई ये मैं खाना खा रहा हूँ, दो अंडे हैं, पता नहीं किसके अंडे, छोटे छोटे अंडे हैं. रशियन खाना है, ओलिवियार कहते हैं, ओलिविया पता नहीं. एंड ब्रेड एंड ये ऐरान, बेसिकली दही काइंड ऑफ होता है, पतला दही मान लो. और ये हो गया पानी. वेल कितने बिल आएगा मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं खाना खाता हूँ. तो भाई खाना पीना खा लिया यहाँ पर, और खाने का जो बिल आया, मतलब मैंने ऐरान मंगवाया था, ड्रिंक था, एक मीट था और एक सलाद था, अराउंड 200 रुपए के आसपास का बिल आया. तो कंडी सस्ती तो है यार, काफ़ी कंडी सस्ती लग रही है मुझे ये वाली. ऐसा कुछ नज़ारा जहाँ पे मैंने खाना पीना खाया था, एक काइंड ऑफ एक सुपर मार्केट है छोटा सा. बट अब मैं जा रहा हूँ रेगिस्तान की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो रखा है. आजकल तो सिर्फ पैसे चेंज करवाने और सिम कार्ड लेने में लग गए और खाना खाने में. वेल कल भी आपको दिखाऊंगा कि, क्योंकि कल मैं हूँ समरकंद में और कल से मैं निकल जाऊँगा समरकंद के बाद. बेसिकली मैं जा रहा हूँ अरालसी एंड देन कारल पाकिस्तान की जगह का नाम है जहाँ मैं जा रहा हूँ. चलो चलते हैं पहले रेगिस्तान स्क्वायर, यहाँ का जो मेन जगह है जहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं. विच साइड आई कैन फाइंड टैक्सी फॉर रेगिस्तान स्क्वायर, दिस साइड और दैट साइड? अदर साइड, थैंक यू. रेगिस्तान स्क्वायर नो, यार कोई जाए नहीं जा रेगिस्तान स्क्वायर, पता नहीं क्या चक्कर है यार. पता नहीं क्या हुआ, भाई साहब का बोला कि मैं नहीं जा रहा रेगिस्तान, तो मुझे यहाँ पे छोड़ दिया. बोला तुम उधर जाओ, उसके बाद तुम्हें मिलेगा रेगिस्तान जाने का रास्ता. तो मैं जा रहा हूँ उस तरफ, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी लगी पड़ी है. समझ नहीं आ रहा यार क्या कुछ तक चक्कर है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इधर इधर उस तरफ. तो कुछ ना चक्कर मुझे दिखा, ये भाई साहब नहीं जाएंगे कन्फर्म है, क्योंकि इस तरफ रास्ता नहीं, रास्ता उस तरफ है. क्या आपके पास अच्छा क्या है? अच्छा है, आप पूरा अच्छा है, सब अच्छा है, पेप्सी अच्छा है, सब अच्छा है. मैं पेप्सी नहीं पीना है, मुझे मैंगो नहीं है आपके पास. चलो एक लिप्टन चाय ले लेता हूँ, ठीक है? ठीक है. आपकी हिंदी बहुत अच्छी है. पूरा पूरा. आप इंडिया गए हो या नहीं गए हो? नहीं, इंडिया नहीं. बिना इंडिया गए आपने हिंदी सीख ली? तुम किधर से आदमी? मैं इंडिया से आया हूँ. हिंदी से? हाँ. ये आंटी को भाई लाइक हिंदी आती थी? मैं तो कदम शौक हो गया कि हिंदी. कितने पैसे हो गए इसके? 6 रुपया. 6 रुपया, ओके. बराबर आया? हाँ बराबर कलम किया. हाँ बराबर कलम किया. चलो ठीक है, चलता हूँ आंटी. तो भाई मैं रेगिस्तान स्क्वायर जा ही रहा हूँ, लिप्टन चाय पी रहा हूँ. वो आंटी को देख के मैं एकदम शौक हो गया यार कि उसको हिंदी आती इतनी अच्छी. मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अचानक से लाइक हिंदी आ गया है. ये थोड़ा मैं तो मेरा दिमाग चकराया एक सेकंड के लिए, क्या हुआ ये? पहले एनीवे कोई नहीं, यहीं इधर आस पास ही रेगिस्तान स्क्वायर है. चलो मैं पहले रोड क्रॉस करता हूँ. तो भाई टैक्सी वाले भाई साहब मेरे को तो लेके आए नहीं, बट मैं आपको दिखाता हूँ ये रेगिस्तान स्क्वायर मेरे पीछे. काफी खूबसूरत दिख रहा है भाई ये. मैं इससे पहले आ रखा हूँ यहाँ पर, बट जब मैं पिछली बार आया था तो मैं आपको दिखा नहीं पाया था. बट 2000 जब मैं 18 या 19 में यहाँ पर आया था तब मैं आपको दिखा पाया था. उसमें तो बहुत कम लोग देखते थे मेरे को, उस समय भाई 10,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था. ये कुछ ऐसा दिख रहा है रेगिस्तान स्क्वायर. तो भाई अभी फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ घर. इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कल के लिए, क्योंकि अभी जाने के लिए अंदर टिकट लगता है, फ्री में जाने की इजाजत नहीं है अंदर में. तो दिन के टाइम ज्यादा बेटर दिखता है अंदर कि मैं जा रखा हूँ. कल चलूंगा, कल सुबह सुबह जब मैं यहाँ पर आऊंगा. फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ भाई सोने के लिए, और कल कोशिश करूंगा कि वो जल्दी उठूँ, क्योंकि परसों मैं यहाँ से निकल रहा हूँ समरकंद छोड़ के. मैं जा रहा हूँ काराकल पाकिस्तान की तरफ, उस तरफ काफी लंबा हिचहाइक वगैरह का प्लान है. फिर वहाँ से मैं कजाकिस्तान में एंटर कर जाऊंगा. ये मेरे पीछे था, मैं आपको बस यहाँ दिखाने आया था. एक दिनों का यहाँ पर रेस्ट ले रहा हूँ दोनों का, फिर परसों से लगातार ट्रैवल एंड चेकिंग शुरू हो जाएगी मेरी. टाइम मुझे बनाना पड़ेगा भाई कि जल्दी सोना है और जल्दी उठना है. ये हैबिट अगर खराब की मैंने, 2-3 बजे सोया और दोपहर के 12 बजे उठा, तो फिर तो हिचहाइक होने से रहा इस कंट्री में, क्योंकि 12 बजे क्या हिचहाइक होती है. तो फिलहाल चल रहा हूँ अपने घर के लिए, आपसे मिलता हूँ कल सुबह. बाय. वेल भाई कल जहाँ मैंने वीडियो एंड की थी मैं वापस से वहीं पर आ गया हूँ, और ये है रेगिस्तान. बट आज मैं आपको इसके अंदर लेके जाने वाला हूँ. मैं जा रहा हूँ यहाँ से पहले टिकट खरीदने के लिए, टिकट खरीदता हूँ, उसके बाद मैं इसके चलूँगा अंदर और देखूँगा कैसा अंदर माहौल है. मैं 4 साल पहले गया था अंदर, तो मुझे चीज़ें याद भी नहीं है और उसमें मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था. तो अभी चल के दिखाता हूँ कि कैसा है अंदर
और आपको फिर वीडियो में भी दिखा दूंगा पहली बार। तो भाई मैंने अभी कुछ बच्चों को देखा जो छलांग मार के चले गए, मैं जाऊंगा नहीं बस बता रहा हूँ। 4 साल पहले जब मैं आया था तो पैसे की बहुत कमी थी, फिर मैंने एक बहाना बनाया कि अंदर एक्चुअली एक एटीएम हुआ करता था, अब तो उन्होंने एटीएम बाहर भी कर दिया है। तो अंदर एक एटीएम था तो मतलब मुझे एटीएम से पैसे निकालने जाना है, तो उसी बहाने जाके मैं अंदर जाके देख के आया था। इस बार पैसे दे के जा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। भाई मैं आ गया हूँ अभी टिकट लेने के लिए, ये सब लोग भी टिकट का वेट कर रहे हैं लगता है मुझे हिसाब से। आई वुड लाइक टू बाय वन टिकट। यस, इट्स 50,000। 50,000 लोकल करेंसी। ओके, थैंक यू वेरी मच रहमत। भाई 50,000 का टिकट आया तकरीबन 300 रुपये के आसपास ये यहाँ से, मैं जा रहा हूँ इसके अंदर। हाँ तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ अंदर और काफी सही नज़ारा दिख रहा है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ दिन को आना ज़रा बेटर रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे गाइड्स हैं, आपको बोलेंगे गाइड ले लो गाइड ले लो गाइड ले लो, बट आपका अगर मन करे तो ले लेना, बट ना आप गूगल से भी निकाल के पढ़ सकते हो हिस्ट्री विस्ट्री। ठीक है, ये बाबर तैमूर के बारे में ही आपको जानने को मिलेगा यहाँ पे। ये भाई दिख रहा है इतना खूबसूरत सा, क्या उन्होंने मतलब बना रखा है यार, ये कहते हैं रेगिस्तान स्क्वायर। और 3 यहाँ पे बड़े बड़े टॉम्ब हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। दरअसल बच्चे भोजना अदना लाते। तो भाई मैं कॉफ़ी लेके आ गया हूँ अंदर और क्या ही नज़ारा दिख रहा है भाई, खूबसूरत सा नज़ारा। चलो अब मैं चलता हूँ उसके अंदर, अंदर जाके देखता हूँ कि अंदर क्या हिसाब किताब है। अंदर भी काफ़ी खूबसूरत है जितना मुझे याद है, जब मैं लास्ट बार आया था तो अंदर भी एकदम काफ़ी गोल्डन गोल्डन दिख रहा था, कुछ कुछ धुंधले याद ही है मुझे। वेल भाई तो पहले अंदर जाने से पहले थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ यहाँ की, क्या हिस्ट्री है इसकी। भाई ये जो स्क्वायर है बेसिकली 3 मदरसा का बना हुआ है, ये एक मदरसा ये हो गया, दूसरा मदरसा ये हो गया, तीसरा मदरसा ये हो गया। ये जो भाई मदरसा बना गया था, ऑफकोर्स मदरसा से समझ में आता है कि ये एक स्कूल टाइप का बनाया गया था जहाँ के बच्चे आ सके पढ़ाई कर सकें। और इसको जो भाई बनाया गया था 600 साल पहले, अराउंड 14th century के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, और भाई अभी भी ये है। बट इसको बनाया था भाई अमूर तैमूर ने, जो कि यू नो सब जानते हैं अमूर तैमूर को, उज्बेकिस्तान में काफी फेमस है अमूर तैमूर, अगर आई होप मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। नेशनल हीरो है भाई साहब ये उज्बेकिस्तान के। बेसिकली अंदर जाके दिखाता हूँ कि तीनों मदरसा के अंदर क्या क्या है। ये मदरसा हो गया और एक इधर है, किधर है। और भाई इसको मतलब काफ़ी टाइम लगा था बनाने में, और अलग अलग जगहों से लोग बुलाए थे, इंडिया से भी लोगों को लेके आए थे ये इसके आर्किटेक्ट को बनाने के लिए। और काफ़ी खूबसूरत है भाई, मतलब 600 साल हो गए भाई अभी भी खूबसूरती मस्त है। पता नहीं अभी के ज़माने में इस तरह चीज़ें बनी या नहीं बनी, लेकिन 600 साल पहले इन्होंने इस तरह बना रखा था। तो भाई यहाँ पर है इंट्रेंस, जरा चला जाए क्या है इधर हिसाब किताब। हालांकि उज्बेकिस्तान भाई काफ़ी लिबरल कंट्री इन सब मामलों कपड़ों के मामलों में, बट सिंस ये एक मस्जिद है तो मस्जिद के अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है। जैसे कि इस लड़के को जाने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि इसने जो कपड़े पहन रखे थे वो थोड़ा उसके हिजाब होना ज़रूरी है, और लड़कों के लिए फुल होना ज़रूरी है, और कपल वगैरह अलाउड नहीं है अंदर। मतलब कपल है बट आई थिंक लिपस्टिक भी अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों। आप नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हो, बहुत लोग अच्छी नमाज वगैरह भी पढ़ रहे हैं, पर देखने में भाई क्या सुंदर लग रहा है, जरा देखो इस बात को, मेरे ऊपर का नज़ारा देखो भाई, मेरे ऊपर क्या शानदार नहीं दिख रहा है ये। और इसके अलावा ये वाला पार्ट भी ना बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है भाई। तो भाई इससे बाहर निकल चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारे शोभनीय शॉप हैं जहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन अभी आपको लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पर 3 मदरसा हैं, तो ये तो पहला मदरसा, 2 मदरसा और लेके चलता हूँ मैं। ऐसा कुछ माहौल है भाई, एकदम एक कोर्टयार्ड की तरह है, एकदम आंगन की तरह बोल लो। और ये स्कूलें हुआ करती थी, अभी तो फिलहाल ये टूरिस्ट अट्रैक्शन हो रखा है, बट आज से 6 साल पहले मदरसा मतलब स्कूल हुआ करता था। इतना सुंदर स्कूल हो तो यार मैं रोज पढ़ने के लिए आऊँ। हालांकि भाई यहाँ पे स्कूल वगैरह हुआ करती थी वो अब एक सोवनियर प्लेस बन चुका है। ये हार कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, बहुत सारी चीज़ें भाई अंदर, क्योंकि सबसे मोस्ट फेमस प्लेस है समरकंद के अंदर यही हो चुका है आजकल रेगिस्तान स्क्वायर, और रेगिस्तान स्क्वायर के अंदर ये एक सोवनियर शॉप है। तो भाई मैं चल चल के यहाँ पर आ चुका हूँ, ये भी क्या खूबसूरत दिख रहा है यार, ये भाई कारपेट्स वगैरह हैं, हालांकि समरकंद कारपेट के लिए काफ़ी फेमस है, सिल्क रोड के लिए भी काफ़ी फेमस था ये भाई। ये देखो भाई इस तरह के कारपेट्स हैं, वाह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है भाई। तो भाई दादी ऐसे बना रही है कारपेट्स, पूरा भाई हाथ से बना रखा है इन लोगों ने ना, कितनी मेहनत लगती होगी यार एक कारपेट को बनाने में, वाह देख रहे हो भाई
इतने बड़े बड़े कारपेट बना रहे हैं और वो पूरा हाथ से, टाइम तो लगता होगा। तो भाई इस वाले पार्ट में, इस वाले कोर्टयार्ड में ये लोग ना तस्वीरें खिंचवा रहे हैं लोकल कपड़े पहन पहन के। जैसे कि इनको देख लो, लोकल कपड़े पहन के तस्वीरें खिंचवा रही है। ये भाई साहब है और यहाँ पे एक कपल है, तो लोग इस तरह फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। और इधर जनरली लाइक मोस्टली आपको कपड़े वाली लोकल ट्रेडिशन चीज़ मिलेगी, हालांकि इसके अंदर भी आप जाके फोटो खिंचवा सकते हो, एक लड़का एक लड़की। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि हम इंडियंस ना बार्गेनिंग के मामले में काफ़ी बेस्ट हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक फॉरेन लड़की थी, मतलब मैं भी यहाँ पे फॉरेन ही हूँ, मतलब वाइट थी, तो वो कुछ कपड़े खरीद रही थी या कुछ खरीद रही थी, तो उसको बोला 2 लाख लगेंगे। फिर मैंने कहा चलो ट्राई करता हूँ कि इसको 2 लाख में खरीद रही है, मेरे को कितने में बेचेंगे ये। तो मैं गया, मोल जोल करने लगा, उन्होंने कहा 2.5 लाख, मैंने कहा 1 लाख, वो आए 2 लाख पे, मैंने कहा 1,10,000, तो फिर वो आते हैं 1,80,000 पे, फिर मैं कहता हूँ 1,30,000 पे, तो कुल मिला के 1,40,000 में मैंने डील डन कर ली। तो मुझे लगा अगर मैं खरीदता तो मैं 60,000 लोकल करेंसी सस्ते में ले लेता यार, तकरीबन 400 रुपये सस्ते मिल जाता मेरे को, तो सही है। मुझे लगा सही है यार, ये बार्गेनिंग स्किल दुनिया में हर जगह काम आती है, ये कुछ सीखा है मैंने ना इंडिया में, वही बार्गेनिंग। वेल तो भाई दूसरे वाले से भी मैं आ चुका हूँ, वहाँ पे मैं गया, उन्होंने कहा कि आपको समरकंद के नए राजा बनना है क्या, 500 रुपये लगेंगे, क्योंकि वो जो तस्वीरें खिंचवा रही थी ना। मैंने कहा रानी मिलेगी क्या फ्री में राजा के साथ, बोलता है नहीं नहीं, मैंने कहा फिर रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है, फिर क्या करेंगे कल राजा बन के यार। और भाई मैं आ चुका हूँ अब कोर्टयार्ड नंबर 3, ये लास्ट कोर्टयार्ड है। यहाँ पर शॉपिंग का ज़्यादा अच्छा खासा हिसाब किताब है, शुभनियर वगैरह भी काफ़ी ले सकते हो। यहाँ पे पोस्ट कार्ड वगैरह मिल रही है, पोस्ट कार्ड के अलावा और कुछ कुछ चीज़ें मिल रही है, जैसे कि मैगनेट हो गया वगैरह वगैरह। इस सेक्शन में टूरिस्ट सबसे कम मुझे लग रहे हैं, उन दोनों सेक्शन में टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा थे। हालांकि जब मैं पिछले बार आया था भाई, तो मुझे याद है कि मैं ऊपर तक चढ़ गया था, आई थिंक इस बार अलाउ नहीं कर रहे हैं इस जाने के लिए। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन समरकंद, चल के देखा जाए कि क्या है अंदर की हिस्ट्री। ये भाई मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री वगैरह के बारे में बताया गया है जो कि मेरे पल्ले न पड़ रहा। मतलब सच कहूँ तो भाई मुझे उतनी डीप हिस्ट्री मुझे पता नहीं है, थोड़ी मोड़ी हिस्ट्री मैं बता रखता हूँ। मैं वो हिस्ट्री के एकदम जड़ तक जाना वो मुझे समझ नहीं आता, हाँ थोड़ी मोड़ी पता रखता हूँ कि सारी हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री सब पता है, सब पढ़ा है। बट मेरा सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था स्कूल के टाइम में, बट भूगोल मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। ज्योग्राफी भाई, ज्योग्राफी मेरा काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट था, बट हिस्ट्री मुझे कभी समझ नहीं आया। अभी भी थोड़ा मोड़ा समझ लेता हूँ, हालांकि थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है जब मैं जाता हूँ किसी जगह, तब थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ता है। बट इसके अलावा ऐसा नहीं कि मैं जाने के बाद भी मैं डीप में जाता हूँ, बेसिक बेसिक जान लेता हूँ, वही मेरे लिए काफ़ी है यार। तो भाई यहाँ पर खरीदने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, बट फिलहाल तो मैं यहाँ से निकलता हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे ढंग की चीज़ें ना यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही यार। एक पोस्ट कार्ड खरीदने का प्लान था कि पोस्ट कार्ड खरीद के आप लोगों को भेजूंगा, जिन्होंने भी चैनल ज्वाइन किया है, तो मुझे पोस्ट कार्ड भेजना है। बट अभी देखता हूँ कि उसको अभी लास्ट जब रहेगा मेरा वहाँ से तब खरीदूंगा पोस्ट कार्ड एंड सबको लोगों को भेजूंगा मैं। वेल तो भाई चलते हैं इस प्लेस से, फिलहाल काफ़ी सही था यहाँ पे, तीनों के तीनों मैंने मिनरल्स देख ली, आपको भी दिखा दिया। हालांकि जो टेक्निक थी जो मैं शुरू में यूज करता था 4 साल पहले, कि अंदर एक एटीएम था, उन्होंने एटीएम को अंदर से बाहर निकाल दिया, उनको समझ में आ गया था कि लोग इस टेक्निक को यूज करके अंदर जाते हैं पैसे निकालने के बहाने और घूम भी लेते हैं, तो उन्होंने एटीएम ना कहीं यहाँ पर लगा दिया है। ये देखो एटीएम है ये वाला, चलो कोई बात नहीं, 400 रुपये या 300 रुपये जो भी था आपको दे के यहाँ पर आना पड़ेगा, फ्री में जो साधन था ना वो चला गया। तो भाई यहाँ पर देखने के लिए एक अमूर तैमूर का टॉम भी है जहाँ पे मरा था। तो भाई यार मुर्दे को देखने के लिए जहाँ पे गाड़े हैं उनको पैसे क्यों दिया जाए यार, कि उसके जाने के लिए पैसे लगते हैं। मैंने कहा छोड़ हटाओ, स्किप करते हैं उस पार्ट को ना, ठीक है अब कितना चीज़ देख ले। ज़्यादा टूरिस्ट करने का मेरा एक्चुअली इस ट्रिप पे मन है नहीं, परसों से मेरी जो रियल ट्रिप स्टार्ट होने वाली है वो कल या परसों से होगी, ये तो बस अभी आ गया तो देख ही लेना था और आपको भी दिखाई देना था। मोस्टली मैं इस ट्रिप में आया था उज्बेकिस्तान के लिए, काराकल पाकिस्तान को देखने के लिए। और भाई रेगिस्तान से बाहर निकलने के बाद ये है भाई थोड़ा शोबनियर वगैरह, यहाँ पे चीज़ें भी खरीद सकते हो आप, खाने पीने के भी हिसाब किताब है। यहाँ पर काफ़ी क्राउडेड प्लेस लग रहा है। और इस्लाम करीमोव का यहाँ पर एक स्टैचू बना हुआ है। फिलहाल इस तरह की बाइसिकल वगैरह भी रेंट कर सकते हो आप। जरा पूछता हूँ भाई साहब से कितने की बाइसिकल है। तो भाई इन साइकिल का जो प्राइस है, जो मैंने उनसे बात की, बंदे को अंग्रेजी नहीं आती, फिर मैंने कहा रशियन बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा 25,000 एक घंटे के और अराउंड 15,000 आधे घंटे के। तो 15,000 हो जाता है भाई तकरीबन 80 रुपये और 25,000 150 रुपये के आसपास, यही प्राइस है। वेल तो भाई मैं फिलहाल इसी एरिया में घूम रहा हूँ और क्या शानदार चांद दिख रहा है यार, यार चांद को तो देखो एकदम मस्त दिख रहा है एकदम। ये यहाँ पे लोग फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं और ये है समरकंद, कल भी आपको मैंने दिखाया था, अभी भी दिखाता हूँ क्या दिख रहा है। ये ब्यूटीफुल नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, दिन को अच्छा दिखता है लेकिन रात को भी काफ़ी शानदार ये दिखता है। तो या आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय। तस्बिदानिया मेरा इंस्टाग्राम है भाई नोमैड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। आज के लिए चलता हूँ, बाय बाय।